हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राजीव ब्लॉग इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गांव से गाड़ी रिजर्व करके जा रहे हैं, रोहतासगढ़ भी जाना है। देखिए ये छोटा भतीजा है, देख सकते हैं इधर गाड़ी है। देखिए अभी और गाड़ी अभी बैठ के जाने वाले हैं गाड़ी में। देखिए है दो ठो गाड़ी है, चार को पांचों गाड़ी से जाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से निकल चुके हैं गांव से। गांव से अभी रोहतासगढ़ किला जा रहे हैं। अभी बिहार जो रोहतासगढ़ किला है, बिहार बिहार में पड़ता है। रोहतास अभी जाना पड़ेगा, वहाँ अभी जा रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, चोरी चंदवा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तेल भरा रहे हैं। देखिए गाड़ी में तेल भरा रहे हैं, देख सकते हैं दोनों गाड़ी में यहाँ तेल भरा रहे हैं। ये चोरी चंदवा झारखंड रांची में, इधर रांची कुड़ू इधर पड़ता है, उधर ही है ये। देखिए ये दो गाड़ी है और यहाँ दोनों गाड़ी, देखिए यहाँ आगे हवा सब चेक कराया जा रहा है, यही पेट्रोल पम्प था। देखिए अभी दोनों हवा चेक करा लिए, अब जा रहे हैं दोस्तों। बहुत लंबा रास्ता है दोस्तों, कम से कम 10-12 घंटा लगेगा अभी गाड़ी से जाने से। अभी देखिए अभी डिहरी आसनसोल जो है, डिहरी है उधर से जाना है, जो सोन नदी है वहाँ से, उधर से पुल से पार करके जाना पड़ेगा। तब यहाँ से जा रहे हैं डाल्टनगंज होते हुए, फ्लामो डाल्टनगंज होते हुए अभी हम लोग जाएंगे दोस्तों, औरंगाबाद होते हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। अभी झारखंड का लातेहार डिस्ट्रिक्ट पार कर रहे हैं दोस्तों, ये झारखंड का लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सभी हम लोग पार कर रहे हैं। लातेहार होते हुए भी जाएंगे, लातेहार इधर जंगल है, उधर अभी पार होते हुए जाना है दोस्तों। ये लातेहार का ही समझ लो टाउन एरिया से ही पार कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में लातेहार लिखा हुआ था। ठीक है चलिए,
ये जो जंगल पार कर रहे हैं दोस्तों, ये लातेहार जंगल है। यहाँ देख सकते हैं किनारे किनारे कहीं कहीं देखिए बंदर सब रहता है। देखिए किनारे किनारे है बंदर सब। देखिए यहाँ अकेले सब रहने से झोला सबको सब छीना झपटी यहाँ करता है, छीनता है यहाँ पर। तो देखिएगा ये जंगल है, देखिए इधर बहुत सारे यहाँ बंदर है, देख सकते हैं। सब खाना उना गाड़ी से कोई फेंक देता है, सबको खाते जाता है, खाता है मतलब। देखिए अभी यहाँ लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये डाल्टनगंज पहुंच गए हैं। ये देखिए बैटलैंड स्कूल है, यहीं पर रुके हुए हैं, देख सकते हैं ये डाल्टनगंज में है। अब देखिए दोस्तों हाईवे पकड़ के आगे बढ़ चुके हैं। अभी देखिए हाईवे सभी जा रहे हैं, थोड़ा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों सोन नदी पार कर रहे हैं, डेहरी सोन। देखिए ये सोन नदी पार कर रहे हैं, बहुत ही लंबा है, देख सकते हैं। देखिए इसे अभी डेहरी इधर पहुंच के पार कर रहे हैं, इधर सोन नदी पार कर रहे हैं। अभी ये सोन नदी का पुल है, वहां से पार कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। बहुत ही लंबा है दोस्तों ये पुल, देख सकते हैं। अब बहुत ही चौड़ा है इधर, देखिए इधर सूरज उगा था। देखिए बहुत ही लंबा है। देखिए दोस्तों पार कर चुके हैं। देखिए ये रोहतासगढ़ का रूट में आ गए। अब उधर से नीचे उतर के वो पुल से आगे पार करके नीचे उतरे, उसके बाद इधर से अब रोहतास के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, इधर से पहुँच जाएंगे दोस्तों। देखिए इधर हल्का हल्का धुंध है, देख सकते हैं कुहासा टाइप का, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हल्का हल्का कुहासा टाइप का धुंध है। ये यूपी बिहार में आ चुके हैं हम लोग, बिहार में।
बिहार का रोहतास जिला भी इधर पहुंच ही गए हैं दोस्तों, लगभग पहुंच गए हैं। देखिए अभी दोस्तों यहाँ रोहतास जिला पहुंचने के बाद इधर रोहतासगढ़ इधर जाने के लिए कच्ची रास्ता से होकर अभी 30 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। 30 किलोमीटर लगभग 1 से 2 घंटा लगता है, तो फिर 2 घंटा भी इधर कच्ची रास्ता से भी गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए वही कच्ची रास्ता से भी जा रहे हैं। देखिए दोस्तों फाइनली पहुंच गई है रोहतासगढ़ किला। देखिए यहाँ पर एक होटल भी है नज़दीक में ही, यहाँ से वही कुछ 40-50 मीटर में अंदर में रोहतासगढ़ किला के बगल में ही इधर होटल बनाया गया है। यहाँ 500-600 में रूम मिल जाता है रहने के लिए, खाने के लिए भी सब मिल जाएगा। देख लीजिए वो सजाया हुआ है वही था। देखिए होटल है नज़दीक में, दुकान वकान भी है। देखिए यहाँ रोहतासगढ़ किला का फोटो सब बिक रहा है। देखिए होटल वाला इधर, देखिए आगे देख सकते हैं, देखिए आग तपा रहे हैं दोस्तों। बहुत इधर ठंडा है क्योंकि ये बहुत ऊपर है दोस्तों, ये रोहतासगढ़ किला पहाड़ के ऊपर है।